भारत में बढ़ते कोरोना के वजह से फिर से कई शहरों में कई स्टेट में लॉकडाउन, कई स्टेट में नाइट कर्फ्यू लग रहा है। बहुत से कोमलेश्वरी बीच पर प्रतिबंध लग रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट और डोमेस्टिक फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल गाइडलाइन और नाइट कर्फ्यू के बारे में ज़रूर जान लीजिए। अगर महाराष्ट्र में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब और तमिलनाडु और कर्नाटक में फ्लाइट करवा रहे हैं तो फिर फ्लाइट के गाइडलाइन जान लीजिए। सभी एयर टीवीज पर प्रतिबंध लगाया गया है, कैपेसिटी को रिड्यूस किया गया है। अगर इन राज्यों में फ्लाइट करवा रहे हैं डोमेस्टिक फ्लाइट या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट तो आप फ्लाइट की गाइडलाइन जान लीजिए। इंडिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मोर धन 40,000 केसेस पाया गया है। अब चलिए सबसे पहले हम जानेंगे उत्तराखंड के बारे में। इंटरनेशनल फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों के लिए 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन है। और उत्तराखंड में माइग्रेट की वेबसाइट पर रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगला स्टेट है गुजरात। गुजरात में जाने वाले यात्रियों के लिए होम क्वारंटाइन अराइवल पर कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं होगा, लेकिन केवल गुजरात सिटी जन के गुजरात में फ्लाइट के लिए अलाउ किया गया है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट से गुजरात के लिए फ्लाइट करवा रहे हैं वो केवल गुजरात से टीजन इंटरनेशनल फ्लाइटें में जा सकते हैं। अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में जाने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होगा। जो लोग महाराष्ट्र के किसी भी एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट से अगर मध्य प्रदेश के लिए फ्लाइट करवाएंगे तो उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होगा, वो भी होम क्वारंटाइन होगा। और भोपाल में, इंदौर में 10 बजे रात से 6 बजे सुबह तो नाइट कर्फ्यू रहेगा। और मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों के लिए भी क्वारंटाइन की गाइडलाइन बनाया गया है। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। दिल्ली, जयपुर, गोवा, गुजरात और केरला से जाने वाले यात्रियों के लिए कोरोना वायरस का PCR टेस्ट का सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है। या मगर अगर सर्टिफिकेट नहीं ले जाएंगे तो अराइवल के बाद भी कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट होगा। अगर आपको कोई लक्षण होता है तो COVID-19 के विशेष के सर्टिफिकेट लेकर के जाने के बाद में और थर्मल स्क्रीनर में कोई लक्षण दिखाई देगा फिर कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। कुमलेश्वर बीच रेडिस किया गया है और नाइट कर्फ्यू है। और मुंबई में जो लोग मॉल में एंटर करना चाहते हैं, मॉल में एंटर करने के लिए सभी लोगों के पास कोरोना वायरस का PCR टेस्ट होना ज़रूरी है, तभी मॉल में एंटर कर पाएंगे। अगला स्टेट है तमिलनाडु। 31 मार्च तक तमिलनाडु में लॉकडाउन लगाया गया है। तमिलनाडु जाने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन है। अगला स्टेट है कर्नाटका। केरला और मध्य प्रदेश से जाने वाले यात्रियों के लिए कोरोना वायरस का PCR टेस्ट करवाना मैंडेटरी है और डोमेस्टिक ले जाकर ही फ्लाइट करवाएंगे। अगर कर्नाटका के लिए फ्लाइट करवा रहे हैं तो फिर केरला और महाराष्ट्र के लोगों के लिए कोरोना वायरस का PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। बाकी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए ना कर्नाटका के लिए फ्लाइट करवा रहे हैं उन्हें 7 दिनों के लिए को इंटूसेटेशन टाइम के और 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन और अराइवल के बाद में कोरोना वायरस का PCR टेस्ट होगा। अगला स्टेट है पंजाब। पंजाब के अमृतसर जाने वाले लोगों के लिए 7 दिनों के लिए इंसुटेशन क्वारंटाइन होगा और 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होगा। टोटल 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन के गाइडलाइन बनाया गया है।